राहुल गांधी आए ने किस तरह देख रहे? पंजाब हिंदुस्तान का पार्ट है, पंजाब के लोगों ने तो नहीं उन्होंने कोई ज़्यादा हंगारा भरिया, जिन्ना क मैनू पता नाल ही कोई 100 कार आई हुई सी, 100 के करीब बसा आईया सी, 40 कंटेनर से अपनी आप घरों ही भीड़ लैके जाके शो दिखा दिखाई जाओ, उन्हें की फर्क पै जूगा। इस समय के दौरान 10 साल लगातार कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार भी रह ली, उदों तो अकाली दल साथी नहीं सी। इतों एक गल आप चंगी तरह समझिए कि केंद्र की ज दिल्ली की पॉलिसी पंजाब प्रति होर है, तो जे केवल यही उंगल करनी है कि जी वाजपेयी वेले तुहाडा साथ सी उहदे वेले साथ सी, तां प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई दे उत्ते अरविंद केजरीवाल ने साइन क्यों नहीं किए? ये एक गल नूं आपां समझ के चलीए, ये झूठ सच दे नैरेटिव सिरजे जा रहे आ। 3 MLA रह गए जिन्होंने 10 साल राज किया, सिर्फ 3 MLA उहदे च इक विरोध कर रहे। ये जिहड़े लोग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जां श्रोमणी अकाली दल के वड्डे वड्डे अहुदे माण के उन्होंने दिते हुए अहुदियां तों अस्तीफे दिते बगैर उन्हें खिलाफ बोलते आ, उन्हां दा किरदार की हो सकता? पार्टी ने माण दिता, पार्टी ने बहुत वड्डा अहुदा दे दिता, तां उह भी तां पार्टी प्रति बहुत चंगीआं गल्लां करदे सी ना। हुण जदों हर वारी बंदा इक कहे कि मैनू ही देना, तो पार्टी का फैसला सी ऐतकी नहीं तो असीं विरोधी हो गए, विरोधी वो होए तुसी सवाल सानू करते हो, साडा तां कोई कसूर नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रविंदर साना स्वागत करदा तुहाडा लुधियाना लाइव ते। पंजाब की सियासत की गल करिए तां राहुल गांधी पंजाब क्रॉस करके गए ने, दूसरी गल जीरा फैक्टरी नूं लैके बड़ी सियासत हुई है, तीसरी गल SGPC दे हमला होया उहनूं लैके भी सियासत हो रही है। उसी लड़ी के तहत अकाली दल के सीनियर आगू सोखी साहब साडे नाल जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है, राहुल गांधी आए ने किस तरह देख रहे? धन्यवाद जी तुहाडा। कोई भी आवे, पंजाब हिंदुस्तान का पार्ट है, पंजाब के लोगों ने तो नहीं उन्होंने कोई ज़्यादा हंगारा भरिया, जिन्ना क मैनू पता नाल ही कोई 100 कार आई हुई सी, 100 के करीब बसा आईया सी, 40 कंटेनर से अपनी आप घरों ही भीड़ लैके जाके शो दिखा दिखाई जाओ, उन्हें की फर्क पै जूगा? सुखी साहब तुसी कह रहे हो हिमाचल जित लिया उन्होंने, वो तो पब्बा भार ने। नहीं देखो, जिहड़ी राजनीति है ना जी, मैं एक गल बड़ी स्पष्ट कहनी चाहना, जिहड़ा जित जांदा ना, जित्या होया एक नवा काम चल पिया, जित्या होया दूजे नूं कहण लग गया नकारे होए, ये लफ्ज़ कदे नहीं कहना चाहिए। बड़े पिछले समय जिहड़े बड़े वड्डे वड्डे आगू अपने आप नूं समझदे असीं जद्दी पुश्ती जित्ते बैठे हाँ, पब्लिक ने उन्हां नूं हरा दिता। ये जित हार एक पार्ट है, पर जिहड़ी अज दी राजनीति आ, अज दी राजनीति नैरेटिव्स दी और परसैप्शन की राजनीति है। एक परसैप्शन क्रिएट करता लीडर उपर बैठ के, एक समा हुंदा सी कि तुसी रैलियां करो, तुसी नुक्कड़ मीटिंगां करो, तुसी पब्लिक च बैठ के जाके मेहनत करो, मेहनत करके फिर तुसी अपने जिहड़ी आइडियोलॉजी आ उह पब्लिक दे विच मना च बसाओ। अज दा समा आ गया सोशल मीडिया दा, जिस व्यक्ति ने भी सोशल मीडिया नूं बरगला लिया वह वक्ती तौर दे उत्ते शासक बन गया, पर मैं समझदा कोई स्थाई नहीं होऊगा, ये धूड़ बैठ जाऊगी, जो धूड़ बैठूगी तो जिहड़ी सच्चाई है वह सच्चाई दोबारा फिर अगे आनी शुरू होगी, पब्लिक नूं पता लगना शुरू होगा कि असी बहकावे च आ गए, वह बहकावे चो बाहर आउणगे। SGPC पैदान उत्ते हमला होया, सिख कम्यूनिटी के लोगों ने हमला किया, वो उत्थे गए सीगे, इस चीज़ नूं किस तरह देख रहे हो तुसीं? महाराजा रणजीत सिंह जी ने 50 साल राज किया, खालसाई राज किया, नखालस राज किया, ये गल कही जाती है कि महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज दोबारा नहीं हो सकिया। उस राज तो बाद महाराजा रणजीत सिंह दे अकाल चलाने तो बाद खाना जंगी हुई, भरा मारू जंग हुई, उदों कराउण वाला अंग्रेज़ सी, अज कराउण वाले साडे अंग्रेज़ ने। मैं अपने सिख भरावां नूं बेनती करदा कि भराओ आपां भरा मारू जंग च ना उलझिए, सिख भरा ही सिख भरा दा प्यासा ते वैरी ना होवे। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी शाना मती शहादतां नाल बनी कमेटी है, कुछ गिणती दे चंद लोग इकट्ठे होकर हमला करके कहण के संगत ने हमला किया,
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਰੇਟਿਵ ਗਲਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ 2 ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, 2 ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ SGPC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵੋੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ SGPC ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ 3 MLA ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 3 MLA, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੂਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੈਰ ਅਸੂਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਊਂਗਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। SGPC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤਦ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਫਿਰ SGPC ਦੀ? ਸੁਣੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, MLA ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ 75 ਜਾਂ 95 ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਸਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਲੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ BJP ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ। ਠਹਿਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ? 10 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ। 10 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜੀ, 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਆ, ਅਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਏ 20 ਬਚੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ BJP ਦਾ ਹਰ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
कांग्रेस का संविधान से कि वह लगातार गांधी परिवार ही प्रधान रहा। ठीक है जी, बदलिया ऐतकी उन्होंने नहीं सुनो ऐतकी, चलो उन्होंने बदलिया आ, जे बदलिया तो राहुल गांधी यात्रा च मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कितने ने आए हुए ने, नाम का प्रधान कितने दिखाया नहीं एक बार हूँ आए हुए जी आए हैं जो उन्होंने जो अमृतसर सॉरी जो जलंधर एम पी मरिया ना वह अफसोस कर वो अफसोस कर आए नहीं। मैं पूछा जी, मैं पूछा पद यात्रा च आए थोड़ा जा चलो हो सकता है कि सीनियर हो ना नहीं चल सकते मन लिया ये क्वेश्चन किसी प्रति नरम गोशा रखो तो किसी को सख्त गल करो। सख्त नहीं कह रहा मैं, सख्त नहीं कह रहा, ये प्रमाण है कि 30 साल तो बदला नहीं है जी, ये गल प्रमाण है, मान लिया मैं, मान लिया एक पार्टी का नहीं, मैं गलत कह ही नहीं। संविधान कांग्रेस का अपना संविधान है, अकाली दल का अपना संविधान है, कम्युनिस्ट पार्टी का अपना संविधान है, भी संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। परिवारवाद तो हुण छुटकारा मिलूगा, अकाली दल लोग कह रहे हैं नहीं परिवारवाद पहला भी नहीं सगा, परिवारवाद हुण नहीं हैगा। जे परिवारवाद हुंदा तां जगबीर सिंह सोखी दे तां किसे दा रिश्तेदारी नहीं, जगबीर सिंह सोखी पार्टी च कई अहुदे लै रहे आ। कल परसों भी मैनू इंडस्ट्री एंड ट्रेड बोर्ड का मैंबर नियुक्त किया गया और जबकि मैं तो उस मीटिंग च भी बैठा नहीं, मैनू पता भी नहीं, मैनू तुहाडे माध्यम राही प्रैस वाले मेरे वीर दसदे कि तुसीं मैंबर चुने गए हो। की इह लोकतंत्र नहीं, की इह डेमोक्रेसी नहीं? मैं एक सधारण परिवार चों आया व्यक्ति हाँ, मेरी फैमिली का कोई भी राजनीतिक पिछोकड़ नहीं, तो जे मेरे वर्गे बंदे अकाली दल दे मैंबर ने तो यह गल कही जाए कि परिवारवाद सॉरी जिहड़ा करके कह रहे लुधियाणे दी गल कर लो, तनवीर जी तुहाडे तो आरोप ला रहे ने, पिंडर जी तुहाडे नाल दे तुहाडे तो आरोप ला रहे ने, मतलब तुहाडी पार्टी ते कितें मैं इस मैं नहीं कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, तुहाडी पार्टी नूं छड्डण वालों कह रहे ने। मैं एक गल फिर होर कहण लग्गिया, एक आम वर्तारा बन गया कि जदों एक व्यक्ति अपनी पितरी मां पार्टी नूं छड्ड के जाऊगा तो उसकी मजबूरी होगी, या कही है कि उसकी रीढ़ की हड्डी च दम नहीं रहा, वो अपनी पहली पार्टी को माड़ा कहूगा। पिंडर दा प्रधान बन गए ने पहला मेरे जी, नहीं नहीं मैं जी सानू तो मैंबर ने नियुक्त किया गया सीगा, जिहड़ा मैं लफ्ज़ कहा तुसीं ओह सुणो जी, तुहाडे गल दा जवाब दिंदा मैं, उत्ते गल ते रहो। मेरी भी राजनीतिक शुरुआत श्रोमणी अकाली दल मान तो हुई सी, जदों साडा पार्ट असीं अकाली दल बादल च जॉइनिंग की आ, तो मैं उदों तो लैके अज तक अपनी उस पार्टी के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं किया, ये मेरा किरदार है। तो जेड़े अपनियां पुरानियां मां पार्टियां के खिलाफ कुछ लफ्ज़ बोलते हैं, जाति तौर पर बोलते हैं ना, क्योंकि उधर ओहदा नहीं मिला दूजे पासे मिल गया, उन्हां दा किरदार है उन्होंने कह रहे हो जाति तौर पर, जाति तौर पर मैं ना देखो सच्चाई है, जिन्हों एक पार्टी के मन नहीं भरिया दूजी पार्टी में चले गए पुरानी माड़ा कहते हैं। मेरा यह असूल है कि जिस व्यक्ति ने एक बार कप चाह का भी पी लीए उन्होंने माड़ा ना कहीए। पार्टी रह के दाखा दे MLA पार्टी को माड़ा कह रहे हैं, उन्होंने पूछो जी, मैं तो नहीं कह रहा, चलो जे वो कह रहे हो दसणगे। मेहरबानी तुसी साडे नाल गल कीती, किते ना किते कोशिश कोशिश कीती है असी मंथन दी, सही है कि गलत है तुसी कमेंट्स जरूर करियो, ते हालांकि साडी इक सोच है कि इस तरह का डिस्कशन या इस तरह की हैल्दी डिबेट करके तुहाडे सामने कुछ ना कुछ रखी है, क्योंकि तुसी लोकतंत्र दे नायक हो, मतदाता हो, तुसी अगे इन्हां नूं चुनना है, ये तुहाडे लई इत्थे सेवा रत्न ने ते तुहाडे काम करन इत्थे आए ने। बिल्कुल जी सही है कि गलत है, इत्थे कमेंट्स करके दस्सियो, ते कितें कोई कमी है जां तुहानूं लगदा है कि कोई पक्षपात मेरे मैं कर रहा वह भी जरूर लिखियो, इन्हां दे अंदर की कमी है वह भी जरूर लिखियो। प्रोग्राम किहो जिहा लगा थले दिते मेल ID ते नंबरां ते विचारधारा भी सांझी करियो। लुधियाणा तों लुधियाणा लई कैमरामैन सेवा सिग्नल, मैं अरविंदर सराणा।